आज नया बाजार स्थित होटल बेंजर में प्रेस कॉन्फ्रेंस धनबाद अल्पसंख्यक आवाम एवं वासेपुर यूथ के आयोजन में किया गया, जिसके माध्यम से धनबाद के लोगों को बताया गया कि हमारा विरोध किसी खास समुदाय को लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा की गलत सोच को उजागर की वजह से है एवं उनके इस सोच में कांग्रेस का साथ देना ही हमारा विरोध है। अनवर अख्तर ने कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी श्री अजय दुबे पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए दिल्ली में बैठकर पूरी झारखंड कमेटी को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस एक तरफ दिख रही है। क्या अब उनको अल्पसंख्यक समाज की जरूरत नहीं है? न कि हम किसी खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है। कोई भी समुदाय अगर हम लोगों से कोई ऐसी गलती है तो उसे हम उनसे हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमारा आपका भावना को ठेस पहुंचाने का कोई हमारा ये नहीं था और सिर्फ हम वैभव सिन्हा को टारगेट कर रहे हैं इसलिए कि उन सोच हमारे लिए वो गंदी रखते हैं और कांग्रेस इसलिए कि वो अभी भी वैभव सिन्हा का सपोर्ट में है। एक घूम उन्होंने किया है एक कमेटी गठन करके कि हम एक कमेटी गठन कर रहे हैं जो इसकी जाँच करेगी। क्या वो CBI जाँच हो रही है? नहीं हो रही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, आप लोगों के पास भी ये पेपर होगा, आप देख सकते हैं। इन्होंने साफ साफ ये कहा है नीचे में कि आप वैभव सिन्हा के परिवार से मिलिए और हमें जांच करिए, मतलब हमारे सौंपिए रिपोर्ट सौंपिए। तो क्या ये कमेटी कह रही है, प्रदेश कमेटी का ये कहना है कि सिर्फ वैभव सिन्हा के परिवार से मिलिए? कहाँ गए पीड़ित परिवार? क्या मतलब उन्होंने अभी फैसला कर दिया ये लिख करके कि वैभव सिन्हा सही है और उन्हें क्लीन चिट दे दिया? अभी क्लियर नहीं किया, लेकिन उनकी मंशा यही है कि उन्हें क्लियर कर दिया वैभव सिन्हा निर्दोष है और वो जो 5 लड़के हैं वो दोषी हैं। ये इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये किया है, हमारा यही। और सबसे बड़ी बात यह है जो पूर्व प्रत्याशी अजय दुबे, उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो दिल्ली में बैठ करके कठपुतली की तरह नचा रहे हैं पूरी झारखंड कमेटी को, कांग्रेस झारखंड कमेटी। उनका भतीजा, उनके साले का बेटा वो वैभव सिन्हा का बॉडीगार्ड है, उसको बचाने में पूरी कांग्रेस लगी है। मैं अजय दुबे को यही बताना चाहूँगा कि अजय दुबे ये जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से, हमारे समाज की वजह से है। सबसे ज़्यादा वोट उनको अल्पसंख्यक समाज ने ही दिया है और किसी ने ही नहीं दिया। अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो अजय दुबे हमेशा रहेंगे, वो नहीं रहेंगे अजय दुबे हमेशा, वो फिर एक आम इंसान बन जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा। अब मांग क्या करते हैं? ये विरोध, हमारा ये मांग है कि अब वैभव सिन्हा को जल्द ही जल्द पार्टी से निकाला जाए और निष्पक्ष जांच किया जाए। हमें नगर पालिका, हमें अदालत पे पूरा भरोसा है। कांग्रेस प्रेशर बना रही है, घूम कर रही है लोगों के बीच, ये बना रही है कि वैभव सिन्हा सच है यह है, वो घूम ना करें, क्लियर करें कांग्रेस के हम किस तरफ है, वो हमारे तरफ है या वैभव सिन्हा की तरफ है, ये क्लियर कर ले। उसके बाद हमारा विरोध जारी रहेगा, हम जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम जारी रहेगा। हम हर एक घर जाके बताएंगे कांग्रेस के बारे कि कांग्रेस क्या है। वही इस कार्यक्रम में तारिक हबीब, आरिफ इकबाल, रिजवान आलम, युवा नेता परवेज खान, फिरोज, ओसामा बिन जमील सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित